मैं वजन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टेलर तीन सौ पंद्रह जी फ्रेंड्स आज हम आपके लिए तीरे के लिए तीरे की कटिंग लेके आए हैं कि तीरा आपने किस तरीके कार से काटना है कुछ दोस्तों का मसला होता है जी वो कहते हैं कि जी यहाँ से आपने तीरा कितना रखना है और यहाँ से आपने तीरा कितना रखना है बहुत सारे दोस्त साथियों के मैसेजेस से लेकिन मैंने साल साल पहले भी इनके मतलब वीडियो बनाई हुई हैं दोस्त साथी जो नए सब्सक्राइबर आते हैं ना वो नीचे नहीं जाते आज बताने का मकसद मेरा ये है आपको कि मैं तीन किस्म की आपको बताऊंगा कि कुलिया क्या, दोस्त कहते हैं ये किस कुलिया के तहत किस फार्मूले के तहत यार तमाम तर कुलिये और तमाम तर फार्मूले आपके अपने बनाए हुए हैं कभी किसी क़राम ने आपको जब शगर्दी से आप काम सीख के जाते हैं कि ये नहीं बताया कि ये फार्मूला ये कुलिया आपको सिर्फ काम सिखाया जाता है किस हिसाब से आप कर रहे हैं ये भी मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से जितना आप डाउन करते जाएंगे उतना तीरा आपका बढ़ता जाएगा अगर एक इंची डाउन करेंगे तो पाँच इंची का तीरा लगाएंगे सवा इंची डाउन तो करेंगे तो सवा पाँच का लगाएंगे अगर डेढ़ इंची डाउन करेंगे तो साढ़े पाँच का लगाएंगे ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ बताया सब कुछ बताया अभी ये देखें ये भी मैंने आपको बताया कि तीरा जितना यहाँ से यहाँ यहाँ से लेकर कर यहाँ तक होता है उतना यहाँ से लेकर कर यहाँ तक होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ ये देखें जी ये कितना तीरा ये तीरे का साइज़ कितना है ये कितनी चुड़ाई में तीरा हमने रखा है ये देखें ये पाँच इंची पाँच इंची रखा है यानी कि ये वाला ये वाला पल्ला फ्रंट का जो पल्ला है ये एक इंची ठीक हो गया ये एक इंची इसके ऊपर आ गया ये वाला पल्ला फ्रंट का इसके ऊपर आ गया ये वाला पल्ला बैक का इसके साथ अटैच हो गया ये फ्रंट का पल्ला पीछे आ गया यानी कि ये पीछे आ गया ये इधर आ गया ये बैक जो है आपकी इधर आ गई ये फ्रंट का पल्ला ऊपर आ गया चीज़ सिंपल के तौर पे एक ही है ठीक है फ़र्ज़ करें कि ये एक इंची है इसको आप एक इंची बढ़ा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा बैक को आप इसके एक इंची बढ़ा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा तो चीज़ आपने यही करनी है ये देखें ये परफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये कितना है यहाँ से लेके कर यहाँ तक कितना पाँच इंची अभी ये देखें ये कोने से लेके ये कोने तक कितना पाँच इंची ये यहाँ से लेके कर यहाँ तक कितना पाँच इंची ये भी पाँच इंची ये भी पाँच इंची एक तो फार्मूला आपका ये हो गया उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाली चीज़ दो साथियों का बड़ा मसला ये होता है कि आपने ये वाली चीज़ कैसे काटनी है और कितनी चौड़ी काटनी है पहला जो का आ रहा है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने कैसे काटनी है ये इस्ती आपको बता रहा हूँ ये वाला जो मैंने रखा हुआ है ठीक हो गया आपने ये फ़र्ज़ करें कि ढाई इंच डोनिंग की है आपने ढाई इंच डॉनिंग की है ये आपकी डोनिंग आ चुकी है ढाई इंच यहाँ पे आपने ढाई इंच लिख लिया ढाई इंच आपने यहाँ पे लिख लिया ठीक है ये ढाई इंच डोनिंग आपकी हो चुकी है ढाई इंच आपने ये डोनिंग किया उसके बाद आपने क्या किया यहाँ यहां से बैक को आपने एक इंची बढ़ाया ढाई और एक इंच ढाई में एक इंची आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया साढ़े तीन इंच हो गया साढ़े तीन इंच हो गया तो ये कह रहा है कि मुझे साढ़े तीन इंच आपने यहाँ पे चुड़ाई में रखना है अगर आपने यहाँ पे एक इंच इसको बढ़ा दिया तो ये कहता है मुझे आपने साढ़े तीन इंच यहाँ पे रखना है तो ये देखे कितना है ये कितना है साढ़े तीन इंच तो एक तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ये वाली चीज़ निकालने का क्या आपने इसको भी देखना होता है कि जितना यहाँ से ये आ रहा है ना ये रख रहे हैं ना आप तो ढाई इंच डोनिंग ढाई इंच आपने लिख दिया एक इंच आपने इसको उठाया एक इंच ही आपने उसने मैं ऐड कर दिया कितना ऐड हो गया साढ़े तीन इंच वो कह रहा है मुझे पौने चार इंच ही काटो दो सूत्र की मुझे शेप दो मुझे साढ़े तीन इंच तैयार रखो जो मुझे ये वाली चीज़ दे रही है एक तो इसका तरीक़ेकार ये हो गया ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी कि ये बराबर पाँच इंच यहाँ से ले ये पाँच इंच इसने भी बता दिया कि मुझे साढ़े तीन इंच कैसे निकालना है किस तरीक़ेकार से निकालना है यह भी मैंने आपको बता दिया जी हम दूसरी तरफ चलते हैं दूसरे दूसरे तीरे की तरफ चलते हैं कि वो आपने कैसे करना है वो क्या क्या करें जी आपका चालीस इंच आपकी चेस्ट जो है ना चालीस इंच है जी फ्रेंड ये देखें जी एक इसका तरीका कार ये है कि अगर आपकी जितनी भी चेस्ट हो जिसको हम छाती कहते हैं जितनी भी चेस्ट हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इतना कि मेरे का आम से दर्जी देखते हैं वीडियो वो बतीकों वाले नहीं देखते तो अगर जिस आपकी चालीस इंच छाती है या बतालीस इंच है या जितनी भी है तो आपने क्या करना है कि चालीस को आपने आठ पे तकसीम कर लेना आठ पे आपने इसको आपने आठ पे तकसीम करना है इसका रिजल्ट निकला पाँच इंच कि आपने इसको पाँच इंच चुड़ाई यहाँ से आपने इसको पाँच इंची चढ़ाई देनी है यहाँ पे आपने इसको पाँच इंची चढ़ाई देनी है जैसे आपने इसको पाँच इंची चढ़ाई दे दी उसके बाद ये क्या है कि ये यहाँ से आपने पाँच इंची दी इसमें से आपने इस साइड पे आपने जाके डेढ़ इंची इसको कम करना है इस साइड पे आपने डेढ़ इंची इसको कम करना है ये बी परफेक्ट तरीका कुलिए वो फार्मूले के हिसाब से ये अपने ही हमारे बनाए हुए हैं तो परफेक्ट कटिंग में फ़र्क नहीं आ सकता आपकी जो जो मैं को आपको बता रहा हूँ कुलिये फार्मूले तो अपने ही बनाए होते हैं तो ये नहीं फ़र्क आ सकता इस तरीके का एक ये मैंने तरीका आपको बता दिया एक मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया इन में से जो मर्ज़ी आप अप्लाई कर सकते हैं एक और आपको तरीका बताता हूँ तीसरा फ़र्ज़ करें ये तीरा अठारह इंच है ये अठारह इंच तीरा है ठीक है अठारह को आपने चार पे तकसीम करना है अठारह का हाफ हो गया नौ इंच नौ इंच का हाफ हो गया साढ़े चार इंच ये देखें जी ये अठारह इंच अठारह का हाफ नौ इंच नौ का हाफ साढ़े चार इंच साढ़े चार इंच इसमें आपने आधी इंच दोबारा ऐड करना है इसमें आपने आधी दोबारा ऐड करने के बाद क्या आपने करना है कि ये हो गया जी पाँच इंच पाँच इंच का तीरा इसको लगेगा ये मैं तीरा अठारह इंच है उसका उसको हमने चार पे डिवाइड करना है चार पे हमने इसको डिवाइड करना है तो साढ़े चार आ गया ठीक है उस अठारह का हाफ होता है नौ नौ का हाफ होता है साढ़े चार इसमें हमने 2 इंच का ऐड करने के बाद ये पाँच इंची का तीरा निकल आता पाँच इंची का तीरे के बाद आपने जो बाजू वाली साइड होती है आरमोल वाली साइड पे वहाँ पे आपने इसको डेढ़ इंची कम करना होता है यहाँ पे आपने इसको डेढ़ इंची कम करना होता है ये साढ़े इंच आ गया कान चाहे उल्टे हाथ से पकड़ने चाहे कान आप सीधे हाथ से पकड़ लें चाहे कान आप दूसरे बंदे से कहें कि ये मेरे कान पकड़ पकड़े कान ही जाने हैं मेरा तरीक़ेकार ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए ताकि आपकी समझ में ये आ जाए कि तीनों का फार्मूला तो यार एक ही है आपको उलझाना ही है ना मैंने मैं ये तीन तीरें हैं तीनों की वीडियो एक ही में बना देता एक ही मरतबा बना देता और क्या नाम है लहदा लहदा बना देता मेरी वीडियो वायरल होती आप लोग सब्सक्राइपर ले कर आते माशाल्लाह जी मार्ट साहब ने बहुत मेरा मकसद आपको आपसे व्यूज़ या आपको सब्सक्राइपर लेना नहीं होता आपकी दुआएँ लेना होता है और आपको काम सिखाने का मतलब ये होता है कि आप अपने वालदे का अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतर रोज़गार कमाने वाले ज़रिया बन जाएँ और बेहतर रेट लेने वाले बन जाएँ ताकि पाकिस्तान का इमेज भी बुलंद हो जाए और क्या नाम है जो आपका सूट पहने बग़ैर बल के बग़ैर सलवटों के आप पहने जो भी दूसरा बंदा देखे यार उसी से सलवाने हैं मेरा मकसद सिर्फ ये है मैं ये तीन वीडियो बनाता मैंने आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दिया चीज़ें वही होती हैं उसको घुमा फरा के क्या करते हैं यूट्यूब पर उसी को घुमा फरमा के घुमाते रहते हैं कि बंदों के जेहन में जो है ना वो तरीका नहीं बताते असल वो हम लोग ही बताते हैं आपको ये पता है कि मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी दुआओं के सद के सब कुछ मिलता है मैं नीचे व्हाट्सअप का अपना नंबर दे रहा हूँ तो जिन दोस्तों ने काम सीखने के ख्वाहिशमंद है सिर्फ वो दोस्त जो काम सीखने का ख्वाहिशमंद है वो इस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड करूंगा पाकिस्तान के नाम व टेलर वहाँ पे मौजूद है तो आप वहाँ पे काम सीख सकते हैं मेरे साथ आप बातें कर सकते हैं जब चाहें आप वहाँ से सवालत करके मुझसे पूछ सकते हैं तो जो हमारी बहनें बेटियाँ घरों में काम सीख रही हैं वो मुझे वॉइस मैसेज करेंगी तो मैं उनको ग्रुप में नहीं ऐड करूँगा लेकिन पर्सनल में ही बताऊँगा या उनको लेडीज़ ग्रुप में ऐड किया जाएगा अदरवाइज ये वाले ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा जहां पे मर्द हजरात हैं तो किसी बहन बेटी का नंबर किसी के पास नहीं जाता ये सोए मेरे कि मेरे बहुत सारी बहनें बेटियाँ काम सीख रही हैं वो पर्सनल में है मुझे मैं उनको बताता हूँ तो ये मैंने तीन किस्म के तीरे के मतलब आपको बता दिया एक छाती के हिसाब से उसको आठ पे तकसीम करें पाँच इंच तीरा निकलेगा तो जब पाँच इंच तीरा निकलेगा बाजू वाली साइड पे डेढ़ इंची कम करें तो साढ़े तीन आ जाएगा साढ़े तीन आ जाएगा दूसरा तीरा अगर आपका अट्ठारह है तो उसको चार पे तकसीम करें तो साढ़े चार इंची तीरा आ जाएगा आधी इंच इसमें दबा ऐड करें तो पाँच इंची तीरा आ जाएगा ये भी पाँच ये भी पाँच इसका भी साढ़े तीन इसका भी साढ़े तीन ये एक इंची मैंने बैक डाउन की है तो पाँच इंची का तीरा आ रहा है ठीक हो गया इधर से मैंने एक इंची बैक उठाई है तो यहाँ भी पाँच इंची आ रहा है यहाँ भी पाँच इंची आ रहा है ये भी साढ़े तीन आ रहा है ये भी क्या नाम है उतना ही आ रहा है तो कान चाहे जिस मर्ज़ी की किस्म से पकड़ लें हाथ उल्टा करके सीधा करके आसानी से पकड़ना चाहे तो वो आपकी मर्जी है वो इजी हो जाता है अगर आप काम आसानी से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप किसी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये वो तीन वीडियो बनाते हैं मैंने आपको एक में बता दिया तो मेरी बहनें बेटियां मेरे जितने बच्चे नए सीखने वाले हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान दें कभी उनके बाल नहीं आएंगे कभी उनको ये कमीज़ तंग नहीं करेगी कभी सलवट नहीं आएंगे फ्रंट बिल्कुल क्लीन होगा साफ होगा शफाफ होगा ऐसा ही होगा जैसे इंसाफ है इमरान खान है पाक चली शफाफ़ चली इंसाफ चली तो हम भी साफ़ और शफाफ काम सिखाते हैं तो